हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, एलडी एलडी सीरियल सीरियल में में टेकन टेकन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में आप आप लोग लोग का का स्वागत स्वागत है। है। आज आज हम हम लोग लोग कोचिंग कोचिंग स्टॉक स्टॉक तथा तथा गुड्स गुड्स वैगन वैगन से से संबंधित संबंधित जितने जितने भी भी डायमेंशन डायमेंशन हैं हैं उस उस डायमेंशन डायमेंशन के के बारे बारे में में हम हम लोग लोग देखेंगे। देखेंगे। इसमें इसमें जितने जितने भी भी डायमेंशन डायमेंशन या या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो जो डेटा डेटा दिया दिया गया गया है है वो वो परीक्षा परीक्षा के के दृष्टि दृष्टि से से बहुत बहुत ही ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इसमें इसमें छांट 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 करके करके जितने जितने भी भी वीवीआई वीवीआई मतलब मतलब कि कि डायमेंशन डायमेंशन है है या या बहुत बहुत सारे सारे जानकारी जानकारी है है जो जो इसमें इसमें आप आप लोग लोग को को सामने सामने आएगा। आएगा। इसलिए इसलिए वीडियो वीडियो को को अंत अंत तक तक बने बने रहे रहे हैं हैं क्योंकि क्योंकि आज आज का का वीडियो वीडियो बहुत बहुत ही ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। है। जो जो भाई भाई का का एग्जाम एग्जाम मुंह मुंह पर पर है है अर्थात अर्थात बहुत बहुत पास पास में में नजदीक नजदीक में में है है उन उन लोगों लोगों के के लिए लिए वीडियो वीडियो बहुत बहुत ही ही उपयोगी उपयोगी है। है। इसलिए इसलिए वीडियो वीडियो के के अंत अंत तक तक बने बने रहे रहे हैं। हैं। चलिए चलिए देर देर ना ना करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। अगर अगर मेरा मेरा वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो लाइक, लाइक, शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। चलिए चलिए देर देर ना ना करते करते हुए हुए क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। फर्स्ट फर्स्ट में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि मुख्य मुख्य रूप रूप से से बफर बफर दो दो प्रकार प्रकार के के होते होते हैं। हैं। बफर बफर जो जो है है दो दो प्रकार प्रकार के के होते होते हैं। हैं। कौन 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 से से हैं? हैं? एक एक नंबर नंबर में में देखिए देखिए लिखा लिखा है है लॉन्ग लॉन्ग केस केस बफर। बफर। तो तो ये ये जो जो है है हेड हेड स्टॉक स्टॉक से से 635 635 mm mm इसका इसका मतलब मतलब लंबाई लंबाई होता होता है है और और शॉर्ट शॉर्ट केस केस में में बफर बफर जो जो है है हेड हेड स्टॉक स्टॉक से से लंबाई लंबाई इसका इसका 458 mm 458 mm होता होता है है फोर फोर व्हील व्हील के के लिए। लिए ठीक ठीक है है ना? ना? तो तो इसमें इसमें जितने जितने भी भी हम हम आगे आगे जो जो बताएंगे बताएंगे आपको आपको बहुत बहुत ही ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैगन बैगन और और कोचिंग कोचिंग दोनों दोनों के के लिए लिए डेटा डेटा है। है। ये ये सारे सारे के के सारे सारे आप आप लोग लोग कॉपी कॉपी में में नोट नोट करते करते जाइए जाइए वीडियो वीडियो को को रोक 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 करके, करके, क्योंकि क्योंकि जो जो भाई भाई का का एग्जाम एग्जाम नजदीक नजदीक में में है है उनके उनके लिए लिए बहुत बहुत ही ही उपयोगी उपयोगी यह यह वीडियो वीडियो है। है। चलिए चलिए यहाँ यहाँ पर पर दिया दिया है है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डेटा। डेटा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डेटा डेटा मतलब मतलब जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है, जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन जब जब सबसे सबसे अधिक अधिक पूछे पूछे जाते जाते हैं हैं वो वो जो जो है है डेटा डेटा दिया दिया हुआ हुआ है। है। आगे आगे भी भी आपको आपको बहुत बहुत सारे सारे क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेंगे। मिलेंगे। चलिए चलिए इसमें इसमें क्या क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है है कि कि रेल रेल लेवल लेवल से से खाली खाली स्थिति स्थिति में में अधिकतम अधिकतम हाइट। हाइट। ठीक ठीक है? है? तो तो खाली खाली स्थिति स्थिति में में कह कह रहा रहा है है मतलब मतलब कि कि टेयर टेयर कंडीशन कंडीशन में। में। तो तो टेयर टेयर कंडीशन कंडीशन में में अधिकतम अधिकतम हाइट हाइट 1105 1105 हो हो जाएगा। जाएगा। ये ये तो तो ऊपर ऊपर भी भी पढ़ते पढ़ते आप आप लोग लोग आ आ रहे रहे हैं हैं और और लोडेड लोडेड कंडीशन कंडीशन में में न्यूनतम न्यूनतम अगर अगर पूछता पूछता है है ये ये 130 130 हो हो जाएगा। जाएगा। देखिए देखिए सब सब जो जो है है रनिंग रनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है है लेकिन लेकिन रनिंग रनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन ही ही बहुत बहुत हमारे हमारे मतलब मतलब कि कि कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई हैं हैं जो जो नहीं नहीं देखते देखते हैं हैं कि कि तो तो रनिंग रनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है है लेकिन लेकिन बाद बाद में में वही वही क्वेश्चन क्वेश्चन आ आ जाता जाता है है बाद बाद में में उन उन लोग लोग को को दिक्कत दिक्कत हो हो जाता जाता है। है ठीक ठीक है है ना? ना? इसलिए इसलिए सब सब क्वेश्चन क्वेश्चन को को कोई कोई भी भी क्वेश्चन क्वेश्चन को को मतलब मतलब कि कि हल्के हल्के में में नहीं नहीं लें। लें। ठीक ठीक है? है? दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे नंबर नंबर में में क्या क्या लिखा लिखा है है कि कि एक एक ही ही एंड एंड पर पर हाइट हाइट में में अलाउंस अलाउंस मतलब मतलब एक एक ही ही एंड एंड पर पर हाइट हाइट में में अलाउंस अलाउंस मतलब मतलब कि कि वेरिएशन। वेरिएशन। ठीक ठीक है? है? तो तो ए ए जो जो है है मतलब मतलब कि कि 64 64 हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है? है? और और आसन आसन कह कह रहा रहा है है कि कि आसन आसन पहुंच पहुंच के के साथ साथ अलाउंस अलाउंस वेरिएशन। वेरिएशन। देखो देखो मैं मैं दोनों दोनों को को अच्छे अच्छे से से समझा समझा दे दे रहा रहा हूँ। हूँ। जैसे जैसे कि कि ये ये 75 75 जो जो दिया दिया है, है, जैसे जैसे कि कि ये ये बफर बफर हाइट हाइट है, है, समझे समझे कि कि नहीं? नहीं? तो तो बफर बफर हाइट हाइट का का मतलब मतलब जैसे जैसे मैं मैं 64 64 वालों वालों को को पहले पहले समझा समझा दूं, दूं, जैसे जैसे मान मान लेते लेते हैं हैं कि कि यह यह कोंच कोंच हो हो गया। गया। ठीक ठीक है? है? तो तो एक एक यहाँ यहाँ पर पर बफर बफर है है और और एक एक यहाँ यहाँ पर पर बफर बफर है। है। ठीक ठीक है? है? तो तो ये ये दोनों दोनों बफर बफर में में थोड़ा थोड़ा सा सा ऊपर ऊपर नीचा नीचा जो जो है है हो हो सकता सकता है। है। जैसे जैसे कि कि मैं मैं इस इस टाइप टाइप से से अगर अगर गाड़ी गाड़ी बना बना दूं दूं इधर इधर से से तो तो मान मान लेते लेते हैं हैं कि कि एक एक बफर बफर यहाँ यहाँ है है और और एक एक बफर बफर थोड़ा थोड़ा सा सा हाइट हाइट में में यहाँ यहाँ बना बना दीजिए। दीजिए। ठीक ठीक है? है? तो तो थोड़ा थोड़ा सा सा ये ये ऊंचा ऊंचा होगा। होगा। कहने कहने का का मतलब मतलब ये ये है है कि कि दोनों दोनों के के हाइट हाइट में में एक एक ही ही एंड एंड पर पर कर कर रहा रहा है, है, एक एक ही ही एंड एंड पर पर मतलब मतलब कि कि एक एक ही ही साइड साइड में में जो जो बफर बफर एकदम एकदम लगे लगे रहते रहते हैं हैं सामने 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 दोनों दोनों साइड साइड में, में, तो तो उसमें उसमें उसके उसके हाइट हाइट में में अलाउंस अलाउंस मतलब मतलब कि कि वेरिएशन वेरिएशन जो जो है है आपको आपको 64 mm64 mm से से ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक ठीक है? है? और और ए ए जो जो दिया दिया है है आसन, आसन, तो तो ए ए जो जो दिया दिया है है आपको, आपको, ए ए जो जो देख देख रहे रहे हैं हैं अधिकतम अधिकतम 1105 1105 दिया दिया हुआ हुआ है, है, 1105 1105 या या न्यूनतम न्यूनतम 230 230 दिया दिया हुआ हुआ है। है। तो तो इसको इसको जो जो
उसके बाद में क्या कह रहा है, 75 और 64 तो समझ गए। अब कह रहा है अधिकतम प्लंजर रेवल, तो ये प्लंजर जो दिया है, प्लंजर मतलब प्लंजर स्ट्रोक इसको मतलब बोला जाता है, तो ये जो है 127 होता है, ठीक है ना। जैसे बफर जो गोल जो होता है इसका जो है दया मतलब 127 होता है, और इसका भले दया कह रहे हैं दया 457 होता है, ये जो है स्ट्रोक ही 427 होता है। जैसे कि आपको किस तरह बना दें इस तरह जो होता है बफर, तो इसका दाया तो 457 mm होता है, ये इसको हटा लीजिए। और ये स्ट्रोक जो अंदर बाहर जो टकराने के बाद में जो अंदर बाहर जो जाता है ये दिया हुआ है 127 mm, समझ रहे हैं ना, 127 mm, और इसकी दाया जो है 457 mm हो जाता है बफर का, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि न्यूनतम बफर प्लंजर ट्रेवल, न्यूनतम ये जो है मतलब कि अधिकतम था 27 और न्यूनतम जो है स्ट्रोक जो है 51 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक बफर में बफिंग रबर पैड की संख्या, इसमें रबर लगा जो होता है तो उस रबर पैड की संख्या पूछ रहा है, तो 14 से 16। देखिए बहुत ही, ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं, इकट्ठा करने में दिक्कत होता है आप लोगों को, और एग्जाम के समय में मतलब कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना रहता है। तो ये एक ऐसा डेटा है कि एक बार नजर उठाइए और धड़ाम दे देख लीजिए, ठीक है ना। इसलिए यह वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी है, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या कह रहा नीचा कि बफर पैड बफिंग करने की क्षमता, पैड बफिंग करने की क्षमता जो है 10 और 30 kgs m है, ठीक है ना। इसको सभी के मतलब कि आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, बफर फेस कंडम सीमा, तो कंडम सीमा जो है यहाँ पर देखें बफर फेस के सेंटर पर 11 mm बियर, 11 mm का जब बियर हो जाए तो वो समझिए कि कंडम कर दिया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो, ये जो पीडीएफ है एग्जाम का दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, एग्जाम के लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन उपयोगी है लेकिन इसमें जो दिया हुआ है एक साथ जो दिया हुआ है वो जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए एक नंबर में देखिए इसमें क्या लिखा है कि अंडर फ्रेम माउंटेड और बोगी माउंटेड फ्रेम सिस्टम में तुलना, ठीक है। अंडर फ्रेम में जो मतलब कि सिलेंडर लगे रहते हैं और एक जो है मतलब कि बोगी के ऊपर लगा रहता है, वो दोनों में मतलब कि अंतर अर्थात गुड्स में और कोच में मतलब कि देखो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो है इसमें इसको हम लोग लिखते हैं BMBC, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। और अंडर फ्रेम माउंटेड सिस्टम ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। तो अंडर फ्रेम जो है मतलब कि गुड्स में होते हैं और जो ये बोगी माउंटेड जो है कोचिंग स्टॉक अर्थात ICF में होता है, ठीक है ना। तो इस दोनों में अंतर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए लिखा है कि स्लैंग एडजस्टर, तो स्लैंग एडजस्टर अंडर फ्रेम वाला में बाहर होता है जबकि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर अंदर होता है, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर के अंदर होता है, क्या स्लैंग एडजस्टर, ठीक है। स्लैंग एडजस्टर का प्रकार, इसमें जो है डबल एक्टिंग होता है जबकि BMBC में सिंगल एक्टिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है कि स्लैंग एडजस्टर पूछता है कि BMBC में मतलब कि कैसा होता है, तो सिंगल एक्टिंग होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है, ठीक है। बोगी माउंटेड वाला ज्यादा पूछता है BMBC वाला, और अंडर फ्रेम वाला जो है इसमें डबल एक्टिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। अब 3 नंबर में क्या लिखा है, स्लैंग एडजस्टर की क्षमता। अब स्लैंग एडजस्टर की क्षमता जो है UF मतलब कि अंडर फ्रेम में जो है आपको 450 mm होता है जबकि BMBC में आपका 305 mm होता है, ठीक है। अब यहां देखिए ब्रेक सिलेंडर का आकार, तो ब्रेक सिलेंडर का आकार जो है अंडर फ्रेम में आपका 14 इंच हो जाता है जबकि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर अर्थात BMBC में आपको सिलेंडर का आकार जो है 8 इंच हो जाता है। इसको mm में भी आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो 203 आएगा, ठीक है, 202 दशमलव कुछ आएगा, यानी 203 मारा जाता है। वहीं अगर यहां पर अगर LHB की बात किया जाए, इसी के सामने अगर यही क्वेश्चन LHB का रहता तो इसका 8 इंच की जगह पर 10 इंच हो जाता, ठीक है ना। LHB का सिलेंडर की दाया 10 इंच हो जाता है और इसका स्ट्रोक जो है 10 mm हो जाता है, ठीक है, और इसका स्ट्रोक 32 mm हो जाता है, ठीक है। आगे सब मिलेगा, ध्यान लगाए हुए एकदम देखते रहिए। देखिए सिलेंडरों की संख्या, देखिए सिलेंडरों की संख्या जो है UF मतलब कि अंडर फ्रेम में 2 होता है और इसमें जो है 4 होता है, क्योंकि एक बोगी पर आप लोग देखे हुएगा जो ICF पोच में जो मतलब जहां बनते होंगे वर्कशॉप में, तो वहां आप लोग देखते हुएगा कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी बोगी के ऊपर जो है एक बोगी में 2 सिलेंडर जो है ऊपर से माउंट होता है, ठीक है ना। तो एक कोच में जो है यहाँ पर लिखा है प्रत्येक कोच, तो एक कोच में 2 बोगी का प्रयोग होता है तो ये 4 हो जाएगा। वहीं अगर यही क्वेश्चन अगर LHB में अगर रहता, LHB में तो यहाँ पर जो है ब्रेक सिलेंडरों की संख्या जो है 8 हो जाता, ठीक है।
ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना हो जाता, 8 हो जाता, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक डिश के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग होता है और प्रत्येक कोच में माने अर्थात एलची में 8 जो है डिस्क होते हैं और 8 सिलेंडर भी होते हैं, ठीक है, आगे मिलेगा, एकदम सब्र बनाकर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 6 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक ब्रेक हेड पर उपलब्ध ब्रेक फोर्स कह रहा है, ब्रेक फोर्स, ठीक है। तो देखिए यूएफ मतलब कि अंडर फ्रेम में 3 टन होता है सामान्य और 2.2 टन मॉडिफाइड, ठीक है, जो मॉडिफाइड, लेकिन बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में यह 1 टन का होता है फोर्स, ठीक है। ब्रेक हेड पर मतलब कि उपलब्ध ब्रेक फोर्स की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसमें 3 टन सामान्य रूप से होता है, मॉडिफाइड किया हुआ 2.2 होता है, जबकि बीएमबीसी में 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, ये अपने से क्वेश्चन बना करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि ब्रेक ब्लॉक का प्रकार, ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में इसमें ब्रेक ब्लॉक का मतलब कौन से प्रकार का होता है, तो इसमें जो है एल प्रकार का होता है, ठीक है ना, जबकि बीएमबीसी में हम लोग के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक कॉपी में नोट कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्रेक ब्लॉक के घर्षण गुणांक कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक कितना होता है ब्रेक ब्लॉक का, तो घर्षण गुणांक जो है इसका 0.16 से 0.18 होता है, किसमें, अंडर फ्रेम में, जबकि यहाँ जो है 0.28 से 0.30 तक होता है, आपको इसके जगह पर कहीं मिलता है 0.25, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ज्यादा करके यही मिलता है 0.25, ठीक है। के प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक सबसे अधिक पूछता है, मैं यहाँ पर बीएमपी लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर 28 जगह पर 25 देता है, इस टाइप से आपको बहुत कम मिलता है 0.28 ना लिख बोल करके 28 से 0.30 या बहुत कम मिलता है, ठीक है, ये ज्यादा मिलता है 0.25, तो ये जो है आंसर मारिएगा अगर आपको मिल जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, देखिए अब यहाँ पर आ गया, फिर वही कुर्सी में का है, ये जो है 8 नंबर था, ये 9 नंबर सीरियल नंबर में है, वही क्वेश्चन है, उसी वही डाटा है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रेक ब्लॉक की मोटाई, तो ब्रेक ब्लॉक की मोटाई जो है अंडर फ्रेम में जो है आपको 60 mm होता है, जबकि बीएमबीसी में आपको 50 mm होता है, ठीक है, जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिस्टन स्ट्रोक देखिए जो मैंने अभी बताया था, तो पिस्टन स्ट्रोक जो है देखिए अंडर फ्रेम वाला में 80 से 100 mm होता है सामान्य, ठीक है, और 60 से 70 mm मॉडिफाइड जो किया हुआ रहता है उसमें 60 से 70 mm होता है, किसमें, अंडर फ्रेम जो मतलब सिलेंडर लगे होते हैं, यहाँ पर जिसको हम गुड्स भी लिख सकते हैं, मतलब माल बोगी का यह बात कर रहा है, यह कोचिंग स्टॉक का है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर यानी बीएमबीसी का, बीएमबीसी, ठीक है, तो इसका स्ट्रोक जो है 32 mm हो जाता है। यहीं पर अगर हम एल एच बी का लिख दें, एक जो मेरे कर्मचारी भाई हैं बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि एल एच बी का पिस्टन स्ट्रोक 21 mm होता है, ठीक है, जो गलत है, आप देखिए, ठीक है, तो एल एच बी का पिस्टन स्ट्रोक जो है मतलब सिलेंडर का 10 mm होता है, 21 नहीं होता है, ठीक है, और बी एम बी सी का जो है 32 mm होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्रस बीम की क्षमता, ट्रस बीम की क्षमता देखिए अंडर फ्रेम वाला में 16 टन होता है, जबकि बीएमबीसी में 13 टन होता है, सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ब्रेक ब्लॉक का वजन, ब्रेक ब्लॉक जो होता है उसका वजन जो है कितना होता है, तो ये देखिए यूएफ मतलब अंडर फ्रेम वाला में 3.06 kgs होता है, जबकि बीएमबीसी में 2.5 kgs होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कितना बीएम लिखूंगा, ठीक है। एंटी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो है ब्रैकेट, तो इसमें आवश्यक है, इसमें हटा दिया गया है, और क्षैतिज लीवर जो है इसमें आवश्यक है, इसमें हटा दिया गया है, बोगी पुल रड इसमें आवश्यक मतलब है, इसमें हटा दिया। देखिए यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछता है इसे कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, ठीक है, जितना मैंने बताया यह 13, 14, 15 में यह जो है कंफ्यूजन करने वाला, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 16 नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक गियर के समायोजन की संख्या, तो ब्रेक गियर की समायोजन की संख्या अंडर फ्रेम में आपको 7 हो जाता है, जबकि इसमें जो है 2 हो जाता है बीएमबीसी में, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए शेड्यूल वाला है, अब शेड्यूल वाला मैं कितना पढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे मैं इसको चला रहा हूं, इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूं। तो ये देखिए आप शेड्यूल जो दिया हुआ है, विवरण दिया, परीक्षण आवृत्ति, रख रखाव और D1, D2, D3 जो है देखिए एलएचबी के लिए है, D1, D2, D3 जो है एलएचबी में होता है, ठीक है ना, और बीएमबीसी में होता है
शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है ना। तो कहने का हमको तात्पर्य है कि यह धीरे धीरे मैं इसको रोक रोक कर चला दे रहा हूँ, आप लोग अपना से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लंबा डेटा है, पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए कि ये शेड्यूल वाला फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन बी, और नहीं नहीं डी डी वन डी टू डी थ्री, यह रो जो बना हुआ है आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो आप लोग को अच्छा लगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये नौ का चिन्ह जो लगा हुआ है इसमें होता है, जिसमें नहीं नौ का चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है, डी वन डी टू डी थ्री आप लोग देख लीजिए। इसके नीचे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे चला दे रहा हूँ, आप लोग देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये जो है आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, क्योंकि सबसे अधिक यह क्वेश्चन पूछता है कि किस नट बोल्ट का टार्क कितना होता है, जिसका साइज कितना होता है, ठीक है। किस नट बोल्ट का कहां, जो मान लेते हैं कि ये जो एंटी रोल वाल पर, एक्सल पर, बहुत जगह नट बोल्ट का आप लोग एल एच, देखिए ये जो है एल एच बी का है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो दिया हुआ है एल एच बी का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एल एच बी में बहुत सारे प्रकार के मतलब की बोल्ट लगते हैं, और बोल्ट का यहाँ पर साइज दिया हुआ है, और उसका टार्क वैल्यू कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जगह इस टाइप का डेटा हर जगह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जियो भाई का एग्जाम, जिस भाई का एग्जाम नजदीक में है, 15-20 रोज या महीना दिन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सारे के सारे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि एंटी रोल बार बेयरिंग ब्रैकेट बोल्ट का साइज क्या होता है, तो 12×55/30 mm, और इसका टार्क वैल्यू जो है 170 nm लगता है, nm का मतलब होता है न्यूटन मीटर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, एंटी रोल बार प्लग, ठीक है। तो इसमें जो है 8×35/22 होता है, इसका टार्क वैल्यू जो है 170 होता है। एक्सल बियरिंग एंड प्लेट स्टड, ये जो है M16 का प्रयोग होता है, और इसका टार्क वैल्यू जो है 200 nm जो है लगता है, ठीक है। एक्सल बॉक्स जो है पावर बोल्ट, कवर बोल्ट जो होता है, एक्सल बॉक्स में जो हम लोग कवर लगाते हैं, चाहे देखिए यहाँ पर तो मैंने एल एच बी लिख दिया है, लेकिन ये साइज का बोल्ट जहां भी लगता हो, चाहे वो एल एच बी हो या आईसीएफ हो, इसलिए आईसीएफ भी मैं लिख देता हूँ, आईसीएफ, जहां भी ये बोल्ट लगता है, यहाँ पर मेन साइज से मतलब है। अब ये बोल्ट आईसीएफ में लगता है कि एलएचबी में लगता है, इसे कोई विशेष मतलब नहीं है, ये साइज से मतलब है कि किस साइज के बोल्ट का टार्क वैल्यू कितना होता है, इससे मतलब है, ठीक है। तो याद रखेंगे और कॉपी में हो सके तो नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या है कि हम अगर मेरा वीडियो बार बार देखते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन हम जानते हैं कि जब एग्जाम मुंह पर आ जाता है तो वीडियो खोजना ढूंढना उतना टाइम नहीं रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा कॉपी मिले ताकि फटफट हमें कॉपी का पाना उलटते जाऊं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सामने आता जाए, एक बार मैं नजर मार लूं। तो उसके लिए कॉपी में नोट करना जरूरी है। जो भाई का एग्जाम नजदीक में नहीं है वो कॉपी में नोट कर लेंगे, और जब एग्जाम सामने आएगा तो फटाफट अपना देख करके मार लेंगे, ठीक है, मतलब कि याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि एयर ब्रेक पाइपलाइन, पाइपलाइन नट बोल्ट, जो एयर ब्रेक जो पाइप है पाइपलाइन, उसमें जो नट बोल्ट लगता है वो कौन सा साइज का लगता है, तो 24×100 मतलब 100, इसका देखिए एनएम जो है न्यूटन टार्क नहीं दिया हुआ है। बोलिस्टर बम्प स्टॉक नट बोल्ट, इसका जो है 200 जो है 20×100/46, इसका भी नहीं दिया हुआ है। हम आगे चलते हैं, जो जिस जरूरी है वो जो इसमें दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आठ नंबर में देखिए, आठ नंबर में बोलिस्टर नट, बोलिस्टर नट जो है M16×70/38, इसका 250 nm होता है। ब्रेक कैलिपर माउंटिंग नट बोल्ट, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, नौ नंबर में जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ब्रेक कैलिपर वाला, ठीक है ना। तो ब्रेक कैलिपर वाला माउंटिंग बोल्ट का जो है 170 होता है। देखिए साइज बहुत कम पूछता है, ज्यादा करके मतलब कि टार्क वाला पूछता है, ठीक है। तो ये जो है टार्क जो है इसका जो है 170 लगता है। और लेटरल बम्प स्टॉक नट बोल्ट जो है इसका जो है, देखिए साइज याद रखिए, जिसमें 24 लिखा मतलब कि 24 नंबर वाला जो होगा उसमें 170 होगा, ठीक है। अपने याद करने का ट्रिक भी अपना बना लीजिएगा, ठीक है। जिसमें देखिए आगे 24 लिखा होगा उसमें 24 नंबर रिंच भी लगता है, ठीक है ना। तो 24 नंबर रिंच जहां लगेगा, क्या है लेटरल, लेटरल बम्प स्टॉक, ठीक है, और क्या है ब्रेक कैलिपर। तो इस सब में जहां 24 लिखा है उसका मतलब कि 170 होगा। और देख लीजिए सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, आप सीबीसी देखिए यहां पर जो लगा रहता है सीबीसी, वहां पर नीचे एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है, ठीक है ना, सपोर्टिंग डिवाइस उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस के सामने का स्टड जो होता है उसका साइज नट बोल्ट का क्या होता है 16×120, और उसका टार्क जो है 450×-50 mm होता है, ठीक है। और यहां देखिए सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस
कि स्प्रिंग का बोल्ट देखिए सब अलग अलग है, उसमें जो स्प्रिंग लगा रहता है उसमें भी बोल्ट लगा रहता है, उसका साइज जो है 24x90 होता है, उसका टार्क वैल्यू 170 होता है। कंट्रोल आर्म ब्लॉक की लॉगिंग स्टड उसका साइज 16x60 होता है, टार्क वैल्यू 370 होता है। और कंट्रोल आर्म ऊपरी एवं निचले हाफ की माउंटिंग जो है इसका जो है 16x50 12x50 इसका मतलब टार्क वैल्यू 170 होता है, ठीक है। अर्थिंग डिवाइस कवर का प्लेट एम मतलब 18x20 होता है, तो इसमें 21 nm का लगता है, ठीक है ना, 21 nm का इसमें लगता है, जिसे यहाँ भी 8x मतलब 25 दिया है, इसमें भी 21 nm का लगता है। अर्थिंग डिवाइस स्लिप असेंबली स्टड का, ठीक है, जिसमें 8 होता है उसमें 21 nm लगता है, ठीक है। आप लोग ट्रिक जैसे भी बना लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी हो लेकिन याद कर लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है। हैंड ब्रेक लेव केबल के ब्रेकेट के नट बोल्ट, देखिए इसमें भी 8 दिया है, इसमें भी 21 होना चाहिए, नहीं दिया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, लेटरल डैम्पर नट बोल्ट, लेटरल नट बोल्ट जो है देखिए यहाँ पर एम 12x18x30 इसमें 70 nm लगता है। इसमें रिंच जो है हम लोग 18x19 का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो जहां पर 18x19 का प्रयोग कीजिएगा वहां पर जो है 70 nm का, ऐसे ठेठ भाषा के लिए आप याद कर लीजिए। रिंच का आप लोग तो मान लेते हैं ये पहचान नहीं है, लेकिन रिंच वाला तो पहचान रहेगा। तो रिंच जो है जो प्रयोग करते हैं जहां पर 24 नंबर का प्रयोग करते हैं, रिंच का जहां पर 24 नंबर रिंच का प्रयोग करते हैं उसमें 170 nm आप न्यूटन मीटर आप टार्क लगाइएगा, ठीक है। और जहां पर 18x19 का प्रयोग करते हैं, 18x19 रिंच का, यहां पर 70 nm का लगाइएगा। जहां 36 जो LHB में काम करने वाले के लिए मैं बता रहा हूं, तो जहां पर 36 नंबर रिंच का प्रयोग करते हैं 36 वाला, तो उसमें जो है 540 nm भी यहां पर मिलेगा आगे, ठीक है ना, 540 या 590 भी लगता है, ठीक है ना। इस रोलिंग लिखा है रोलिंग के ऊपरी एवं निचले नट बोल्ट, इसमें 36 नंबर रिंच का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें 540 या 90 हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर 90 ही लिख दीजिए, ठीक है, 590 nm लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। रोलिंग रोल लिंक ऊपरी एवं निचली नट बोल्ट जो है 24x100 इसका साइज होता है और 590 होता है, ठीक है। बोगी फ्रेम एवं सपोर्टिंग फ्रेम के नट बोल्ट, यह 20x100 22x46 होता है, इसका टार्क वैल्यू 370 होता है। ट्रैक्शन सेंटर की डिवाइस, देखिए सब क्वेश्चन जितना भी है रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझाने की क्या बात है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक नोट का साइज अगर दिया रहता और सब नहीं दिया रहता, तो मैं सारे नोट का मैं जो भी बोल्ट नट बोल्ट जो दिया है उसके बारे में मैं बताता, सारे के सारे सामने हैं आपका, तो इसमें हम क्या समझाएं, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ते जा रहा हूं। आप लोग लिख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 26 नंबर में क्या है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर नीचे के बोल्ट, जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो होते हैं जो एक बोगी में दो की संख्या में होता है, तो उसमें जो है भी है तो 18x19 रिंच का ही हम लोग करते हैं प्रयोग। और साइज भी देख लीजिए, देखिए जहां जमाना में साइज 12 जिसमें लिखा हुआ है, देखिए इधर का तो बदल रहा है लेकिन आगे वाला नहीं बदलेगा, ठीक है, 12 जिसमें लिखा हुआ है उसका जो है 70 nm हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए या डैम्पर के नट बोल्ट, उसमें थोड़ा जो है 24 नंबर रेंज का हम लोग प्रयोग करते हैं, थोड़ा बड़ा उसका बोल्ट होता है, तो उसमें 100 जो है 70 nm का, साइज देखिए 16x120 mm होता है। तो ये टार्क वैल्यू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ। बफर के बोल्ट, जो बफर का बोल्ट होता है उसका नट बोल्ट जो है 24x90 mm होता है, तो इसका जो है देखिए यहाँ पर इसमें 36 रिंच का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है 590 nm जो है इसका न्यूटन मीटर इसका टार्क लग जाता है। सीबीसी सपोर्टिंग प्लेट बेस प्लेट का नट बोल्ट जो है, देखिए ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये जो वाला सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस वाला, इसका 200 nm होता है, ठीक है। सीबीसी सपोर्टिंग प्लेट और बेस प्लेट के नट बोल्ट जो है देखिए यहाँ पर 170 और इसमें 70, ठीक है, तो साइज पर निर्भर करता है, इस साइज में 170 और 16x50 में इसमें जो है 170 इसमें 70, ठीक है, तो इसमें टार्क पर मतलब निर्भर करता है, ठीक है, अपना ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और धीरे धीरे चला दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको फिर आगे बढ़ाता हूँ, फिर आप लोग वीडियो को रोकिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ, फिर इसको यहाँ तक देखिए, वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए, ठीक, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, खत्म हो गया, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे जितने इसमें डेटा जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हम बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम जो मुंह पर जिसको रहता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी PDF है, ठीक है। ये PDF आप लोग लेना चाह रहे हो तो
मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। चलिए अब देखिए एएलएचबी कोच में निम्न डैम्पर उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से डैम्पर उपलब्ध होते हैं? वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। तो वर्टिकल डैम्पर में कौन होता है? एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के बीच प्राइमरी सस्पेंशन, ठीक है। अब देखिए ये कोच है और ये बोगी है, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि यह बोगी जिसे बना लेते हैं, तो यहां पर प्राइमरी डैम्पर जो है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो है चार होते हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है यहां पर एकदम वर्टिकल मतलब कि लंबवत होता है, ये दो हो गया। और यहां पर जो आप बोलिस्टर जो लगाते हैं तो यहां पर एक होता है लेटर डैम्पर, ठीक है, और लेटर डैम्पर, और यहां पर एक होता है या डैम्पर, ठीक है। इसको या डैम्पर लिख दीजिए, या जो है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, और ये जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, और ई हो गया लेटर डैम्पर हो गया, ठीक है, लेटर डैम्पर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। वर्टिकल वाला में एक्सल बॉक्स और एक्सल बॉक्स मतलब एक्सल के पास जो होता है बोगी में, बोगी फ्रेम में प्राइमरी सस्पेंशन मतलब कि डैम्पर, तो प्रत्येक बोगी में चार दिया है क्योंकि चारों कोनों पर 1 2 3 4 यानी चार हो गया। और कोच में जब लगाएंगे तो चार चारी आठ हो जाएगा, चार चारी आठ हो जाएगा। और क्या दिया है कि बोगी फ्रेम बोलिस्टर के बीच सेकेंडरी सस्पेंशन, तो सेकेंडरी सस्पेंशन देखिए बोगी में 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और दो बोगी मिलाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, एक बोगी में तो 2 हो गया। और लेटरल जो है लेटरल बोलिस्टर सपोर्टिंग फ्रेम के बीच मतलब लेटरल डैम्पर जो होता है, यहाँ पर देखिए बोगी में जो है एक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन दो बोगी मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि या डैम्पर कोच कोच बॉडी बोगी देखिए कोच बॉडी और बोगी को यह जोड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि कार बॉडी एवं बोगी को जोड़ने वाला डैम्पर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग या डैम्पर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है या डैम्पर जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर एक या डैम्पर है और यहाँ पर एक या डैम्पर है, दोनों साइड में अपोजिट जो है मुड़ा रहता है। तो या डैम्पर जो है एक बोगी में 2 हो जाएगा तो कोच में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बोगी में 2 तो कोच में आपको 4 हो जाएगा। अर्थात बोगी में अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक बोगी में कुल डैम्पर की संख्या कितना हो जाता है, तो कुल डैम्पर की संख्या कितना हो जाता है? 9 हो जाता है एक बोगी में, और कोच में पूछता है तो कुल मिला करके 18 हो जाते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? जहां तक विश्वास है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं हटा दिया, मैं अच्छे ढंग से आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। चलिए इस पीडीएफ जो है 22 पेज का है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में, इसके जो फर्स्ट पार्ट मैंने डायमेंशन वाला जो बनाया है उसको भी आप लोग जाकर देख लेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें भी आईसीएफ और एलएचबी का पूरे डायमेंशन जितना है उसमें मैंने बताया है इसी पीडीएफ का जो फर्स्ट पार्ट में है। जो भाई मुझसे पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ या भेज दिया गया है, उन जो भी उन लोगों को तो लिखने की जरूरत नहीं, लिख लेंगे तो और अच्छा है। अपना पीडीएफ जब भी मतलब कि समय मिले एक बार मोबाइल में निकालिए और देख लीजिएगा, क्योंकि उस पीडीएफ में सारे के सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए लेटरल डैम्पर के बारे में डिटेल रूप से बता रहा है। क्या बता रहा है लेटरल डैम्पर में? कि एक बोगी में एक लेटरल डैम्पर लगा होता है जो कि बोलिस्टर एवं बोगी फ्रेम के बीच में लगा रहता है, ठीक है। चेक करें कहीं डैम्पर से आयल लीक तो नहीं हो रहा है, तथा उसके माउंटिंग बोल्ट जो लगा हुआ है दोनों तरफ से सही ढंग से कसा है कि नहीं कसा हुआ है, और क्या लिखा है कि या कहीं या नहीं कहीं बोल्ट गिर या टूट तो नहीं है। ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ कहीं टूटा या गिरा तो नहीं है। यदि बोल्ट टूटा हो या गिरा हो मतलब यदि डैम्पर जो है लीक हो रहा है तो उसे बदल देना चाहिए। लेटरल डैम्पर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वाटम जो है वाटम चिन्ह या स्टिकर लगा हुआ भाग नीचे की तरफ रहे। देखिए देखिए यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टिकर जो लगा हुआ रहता है या वाटम चिन्ह जो लगा रहता है वो किस तरफ रहना चाहिए, तो नीचे की तरफ रहना चाहिए। और क्या लिख रहा है कि लेटर डैम्पर बोल्ट का साइज क्या होता है? तो M12E55/30 mm तथा टार्क जो है 70 न्यूटन मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस पर जो है मैं मतलब यह आया इसको BM और VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारा के सारा कितना हूँ लिखे कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भाई का एग्जाम मुंह पर है उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब बीपी का प्रेशर जो है जिस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर्विस एप्लीकेशन के समय बीपी का प्रेशर कितना होता है, ठीक है। कभी पूछ देगा कि मिनिमम मतलब सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना है, फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए कितना होता है, इमरजेंसी के लिए कितना होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अलग अलग मिलते हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक जगह मिला हुआ है कि आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे लिखा कि मिनिमम रिडक्शन मतलब मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय जो है कितना, मतलब कि बीपी का प्रेशर गिरावट मतलब कितना होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो 0.5 से 0.8 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। और जब सर्विस एप्लीकेशन के लिए पूछता है, ठीक है, तो 8 यहां आ जाएगा, तो ए हो जाएगा आपको 0.8 से 1 केजी, ठीक है। और फुल सर्विस अगर पूछता है तो एक यहां आ जाएगा और 1 से 1.5 केजी हो जाएगा, ठीक है। और इमरजेंसी के समय कह रहा है कि 1.5 केजी से ऊपर, तो वहीं अगर इस यहां पर आईसीएफ का अगर पूछता है तो ऊपर कह रहा है तो 1.5 से लेकर के 3.8 केजी पर सीएम स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और एलएचबी के लिए 3 केजी हो जाता है, ठीक है। नीचे मैं एलएचबी का लिखा हूं, ठीक है ना, और आईसीएफ के लिए 3.8 हो जाता है, यानी 1.5 से ऊपर होना, ऊपर के मतलब 3.8 और एलएचबी के लिए 3 केजी, ठीक है ना। तो ये जो डेटा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बीबी और बीएम दोनों लिख दिया है। इसको आप लोग एक जगह क्या करें कि कॉपी में नोट कर ले, जैसे आप वीडियो देखे फिर कॉपी में नोट किए तो दो बार हो गया, फिर उसको एक बार पाना पलट करके मतलब थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर उसको पाना पलट करके एक दो बार देख लीजिए, और उसके बाद में क्या कीजिए कि आराम से खाइए पीजिए, ड्यूटी जाइए, ड्यूटी से आइए, खाना वाना खाइए, आराम से सोइए, और सो करके वो मतलब कि बत्ती को ऑफ कर दीजिए, अपने आंख को भी बंद कर लीजिए, मतलब ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और दिमाग में इसको लाइए जो आप वीडियो में देखे हैं, जितना भी डेटा आप अभी पढ़े हैं वो कौन कौन से मतलब कि जितना भी डायमेंशन है वो कौन कौन सा आपके दिमाग पर आ रहा है, उसको एक बार रिविजिंग कीजिए। जब रिविजिंग कीजिएगा उस वक्त जितना भी दिमाग पर आप आपको आ जाएगा और वहीं सोचते सोचते आप सो जाइएगा, नींद आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपके लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, और जल्दी मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से सब पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना, कैसे याद होता है, क्योंकि मैंने उस रास्ते से गुजरा है, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर सजेशन ले, कोई गाइडलाइन दे, तो वैसे आदमी से ले, कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या कोई भी काम हो, तो वो उसका गाइडलाइन या राय जो है, राय मसौदा उसी से लें जो उस काम को आदमी कर चुका है, वो सही रास्ता आपको दिखाएगा, ठीक है ना। चलिए और क्या कह रहा है, डॉट कलेक्टर यानी डीसी के बारे में समझा रहे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी कहीं डीसी लिखता है डॉट कलेक्टर, ठीक है। तो डॉट कलेक्टर क्या है, डॉट कलेक्टर मेन पाइप और ब्रांच पाइप के जंक्शन पर दोनों फीड पाइप और ब्रेक पाइप में उपलब्ध होते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि डॉट कलेक्टर कहाँ लगा रहता है, तो डॉट कलेक्टर मेन पाइप और ब्रांच पाइप जंक्शन जहां पर मिला हुआ रहता है, दोनों फीड पाइप और ब्रेक पाइप में पर लगा रहता है या में लगा रहता है। डॉट कलेक्टर जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन द्वारा कंप्रेस एयर से धूल नमी और मतलब स्केल पार्टिकल को हटाता है ताकि साफ एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को मतलब एयर जो है प्रवेश, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, मैं ठेठ भाषा में आपको समझा देता हूं, जल्दी आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए डीवी जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो यहां पर दिया है डीवी, यह जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड बोलते हैं, यानी दिमाग कहते हैं, ठीक है। और डीसी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है, या कहीं कहीं किडनी भी मिलता है, ठीक है ना, हृदय या किडनी मिलता है, यानी हार्ट, ठीक है, हार्ट या किडनी भी मिलता है, दोनों मारिएगा सही होगा। और दोनों अगर मतलब कि क्या बोलते हैं, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो हार्ट ही मारिएगा, हृदय मारिएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि डॉट कलेक्टर जो है डीसी जो है, क्वेश्चन आता है कि ये तो लिखा आप पढ़िए कि ब्रांच पाइप जंक्शन पर लगा रहता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी आता है कि डीसी कहाँ लगा रहता है, तो डीबी से पहले, डीसी कहाँ लगा रहता है, तो डीबी से पहले, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब से पहले डॉट कलेक्टर लगा रहता है, ये आंसर सबसे अधिक आपको ऑप्शन में आता है, इसलिए ये भी आप नोट करके लिख लीजिए, यानी ये क्वेश्चन लिखिएगा और वहां पर नोट लिख करके एरो का निशान बनाकर लिख लीजिएगा कि डीसी कहाँ लगा रहता है, तो डीबी के पहले लगा रहता है, सबसे अधिक यही ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो पहले किस लिए लगा रहता है, क्योंकि जितने भी धूल कण आप यहाँ पर पढ़े कि धूल कण नमी स्केल जो भी कुछ है, तो जो भी कुछ आ रहा है, तो डीसी जो है उसको छान करके एकदम मतलब कि फ्रेश करके हवा को, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, एयर माने हवा को मतलब कि डीबी को देता है, यानी माइंड को जो है देता है, ताकि अच्छा से वो कार्य कर सके। जब बताइए दिमाग में जब गंदगी प्रवेश कर जाएगा ना, तो आप सही ढंग से काम नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार ब्रेकिंग सिस्टम का दिमाग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कहा जाता है, उसको जो है कचरा दीजिएगा तो काम नहीं करेगा ना, सही ढंग से जाम हो जाएगा, इसलिए उसके पहले डीसी लगा रहता है, इसलिए कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चेक वाल्व का कार्य क्या, चेक वाल्व भी होता है, ठीक है। अभी सब कितना संख्या में होता है मैं आगे बताऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये पीडीएफ 22 पेज का है, लेकिन इसको अगर अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाए तो 100 पेज से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है ना।
इसलिए जो भाई पीडीएफ मुझसे ले लिए हैं वो जरूर मतलब उनको विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि उनको गाइडलाइन करना मेरा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। वो सारे इस पीडीएफ में जितने भी दिया हुआ है एकदम रट करके, एकदम घोर, लोग नहीं कहता है ठेठ भाषा में, घोर कर पी जाइएगा, एकदम घोर कर पी जाइएगा, ठीक है ना। तो चेक बाल में क्या करें, तो चेक बाल ऑक्सिलरी रिजर्वायर माने एआर से पहले फीड पाइप की ब्रांच लाइन के में चेक बाल्ब एक चोक नॉन रिटर्न बल्ब लगा होता है। चेक बाल्ब इसकी बॉडी पर इंगित तीर की दिशा में अर्थात केवल एक दिशा में वायु प्रवाह होने देता है। एनआरबी कंप्रेसर्ड एयर फीड पाइप को एआर तक हवा जाने देता है तथा एआर से एयर में प्रवेश की गिरावट को रोकने के लिए एयर का ब्रेक प्रवाह को रोकता है। चलिए मैं इसको ठेठ भाषा में बता देता हूँ, ये तो आप पढ़ ही लिए, ठीक है ना। आप फिर से आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए एनआरबी का मतलब फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न बल्ब, ठीक है, एनआरबी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसको मैं एक टैंक बना देता हूँ, इसको लिख देता हूँ एआर, ठीक है, और यहां पर एक पाइप बना देता हूँ एफपी यानी फीड पाइप, ठीक है, फीड पाइप, और यहां पर एक बना देता हूं एन आर मतलब कि वी नॉन रिटर्न बल्ब, ठीक है। तो देखिए एआर जो है ये 6 kg पर सीएम स्क्वायर से चार्ज होता है। क्यों 6 kg से चार्ज होता है, क्योंकि एफपी का भी प्रेशर जो है 6 kg होता है, ठीक है। तो जब 6 kg से एआर को जब हम चार्ज करेंगे तो ये भी 6 kg का ही इसका भी प्रेशर हो जाएगा ना। तो बीच में देखिए एआर और एफपी के बीच में एनआरबी लगा रहता है, ठीक है ना। वही इसमें लिखा था कि एआर के पहले, यहाँ पर कहीं लिखा था कि एआर से पहले लगा रहता है, ठीक है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ऑक्सिलरी रिजर्वायर से पहले फीड पाइप ब्रांच पाइप, मतलब कि यहाँ पर तो ब्रांच पाइप तो बाद की बात है। तो कहने का मतलब है कि एआर से पहले और फीड पाइप जो है में मतलब कि ब्रांच पाइप का यहाँ पर एनआरबी लगा रहता है। नॉन रिटर्न बल्ब, नॉन रिटर्न बल्ब का काम क्या है कि इधर से हवा को तो यह जाने देता है, किसमें, एयर में, माने ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो टैंक होता है उस पर जाने देता है, लेकिन फिर ऑक्सिलरी रिजर्वायर से हवा को रिटर्न एफपी में मतलब रिटर्न नहीं होने देता है, इसको यहीं पर रोक देता है, ठीक है ना। इसीलिए एनआरबी का यही कार्य है चेक वाल्व का, ठीक है ना। तो क्या आप समझ गए होंगे एनआरबी का काम क्या है कि एफपी से एआर में हवा जाने देता है। क्वेश्चन आता है कि एनआरबी का क्या काम है, तो एफपी से एआर में हवा जाने देता है लेकिन एआर से फिर एफपी में रिटर्न नहीं होने देता है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, यही इसका काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आइसोलेटिंग कॉक और लगाने के स्थान। देखिए आइसोलेटिंग कॉक जो है कितना कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है, हमको लग रहा है कि सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, बहुत ही बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं मुंह से बार बार निकल जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ये कह रहा है आइसोलेटिंग कॉक, देखिए ये क्वेश्चन जो है, पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है कि पूछता है कि एक कोच में आइसोलेटिंग कॉक की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। आइसोलेटिंग कॉक की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो ये इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेक पाइप और डीबी के बीच में एक होता है, डिस्ट्रीब्यूटर 12 था, डीबी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में जो है एक एक करके मतलब 2 होता है, और फीड पाइप और एआर के बीच में एक होता है, और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व पाइप के बीच में एक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है या, इसलिए इसको कॉपी में नोट करके एकदम दिमाग में बैठा ले, जो मैं अभी मैंने बताया याद करने का तरीका कि आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, फिर एक बार लिख रहे हैं, दोबारा रिपीट हो गया, एक बार पढ़ लिए 3 बार हो गया, इसको मतलब कि एक बार कॉपी पलट करके देख लिए 4 बार हो गया, और इसको कॉपी को बंद कर आप ड्यूटी जाइए, खाना वाना खाइए, रात में सो जाइए, और एक बार आंख मूंद करके पूरा को रिविजिंग मार दीजिए, ठीक है। रिविजिंग जो है मारिएगा अंधेरा एकदम बॉल बत्ती ऑफ करके, जो दिमाग में आपको उस वक्त आ जाएगा वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, और इस टाइप से याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाना गाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, गाना उना गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर इस सबको अगर गुनगुनाते रहे, जहां रहे काम करते रहे, उसी के बारे में चर्चा करें अपने दोस्तों के बीच, और जहां बोगी अगर वर्कशॉप में है, बोगी अगर रखा हुआ है तो वहां जाकर के देखें कि हाँ मैंने वीडियो में पढ़ा है, सही है कि गलत है। जो भाई ओपन लाइन में काम करते हैं, गाड़ी अगर संटी में कहीं खड़ी है अलग, ये ना कि ऐसे ही मतलब घुस जाए अंदर, वहीं अदर जगह लगी हुई है, तो उसमें जाकर के देखें, देख करके उसको समझें, ये सब होता है मतलब याद करने का तरीका, प्रैक्टिकली जो मैंने पढ़ा है या वीडियो देखा है, या सही है या गलत, ठीक है।
तो आपको पूरी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। थ्योरिकल दिमाग में जल्दी नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो जाकर के देख लीजिएगा याद हो जाता है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, मतलब कि पूछिए, नहीं शेयर कीजिएगा, डर है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर जान जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि केवल क्वेश्चन पूछिए क्या बताता है, इस टाइप से आप याद कीजिए। यानी गाना की तरह जहां गाना गाते हैं गुनगुनाते रहे, उसी तरह इसके बारे में आप गुनगुनाते रहिए, देखिए कैसे याद होता है, एकदम गर्दा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुल संख्या कितना होता है 5, जब इसको जोड़िएगा तो 1, I2, 3, I4, A5, यानी कुल संख्या कितना हो गया 5 हो गया। तो आइसोलेटिंग को की संख्या सबसे अधिक पूछता है कितना होता है, तो 5 होता है। और ब्रेक पाइप और बीबी के बीच में कितना होता है, तो 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूटर बार और ब्रेक सिलेंडर के बीच में 2 होता है। फीड पाइप और एयर, एयर मतलब एक डिलीवरी रिजर्वायर के बीच में 1 मतलब 1 होता है। और पैसेंजर इमरजेंसी एलआर बल्ब ब्रेक पाइप के बीच में 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, और हो सके तो आप मतलब कि इतना मेहनत से इतना छांट छांट करके मैं वीडियो आप लोग के लिए सामने इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, और आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा, तो कहिए ना 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 शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा मतलब कि मेरे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये बात सही है 100%, लेकिन आपके दोस्त अगर अदर जोन में है तो वहां पर जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, तभी हमको लगेगा कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, तो हमको उससे उत्साहित होंगे। चलिए और क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम नहीं, एयर ब्रेक स्टॉक के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रेक सिलेंडर का साइज, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब जो है ब्रेक सिलेंडर का साइज बहुत ज्यादा पूछता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, इसलिए इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर का आकार, ठीक है, तो ब्रेक सिलेंडर का आकार जो है देखिए यहाँ पर लिखा है कहाँ पर माउंटेड है और स्टॉक, क्योंकि माउंटेड कहाँ पर माउंट होता है, तो देखिए 300 जो है 55 mm का व्यास वाला मतलब कि 14 इंच का होता है, और कहाँ पर लगा रहता है, तो बॉडी बॉडी में लगा रहता है, कोचिंग और गुड्स दोनों में होता है। 304 वाला 12 इंच होता है, बॉडी में लगा रहता है, और यह ब्रेक बैन में लगा रहता है। देखिए सबसे अधिक जो पूछता है ये दोनों पूछता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों को छोड़ दें तो चलेगा। ये जो है गुड्स वाला जो है सबसे अधिक गुड्स में जो है सबसे अधिक पूछता है ये वाला, ठीक है ना, और कोचिंग वाले के लिए सबसे ज्यादा ये पूछता है। ठीक है ना, कि 8 इंच जो 203 mm व्यास वाला जो है, ये जब 8 इंच को mm बदलिएगा तो 202.2 आएगा, तो 203 मान लिया जाता है उसको, तो 203 mm जो होता है उसका इंच जो है 8 इंच होता है, और बोगी के ऊपर लगाता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, और ये ICF में लगा रहता है। ठीक है, और 10 mm 255 mm वाला जो 10 इंच का हो जो बोगी मतलब की सिलेंडर होता है, वो जो है कोचिंग स्टॉक LHB में लगा रहता है, और जो गुड स्टॉक जो होता है BMBC नहीं है BMBS है देख लीजिए उसमें लगा रहता है, लेकिन ये जो है BMBS में जल्दी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोचिंग स्टॉक वाला जो मतलब कि LHB के सबसे अधिक क्वेश्चन LHB वाला पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नोट करें ना करें, लेकिन ये दोनों जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, सबसे अधिक पूछता है, और ये प्रथम वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको फ्रेश कर दिया है, इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूं नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो तो लंबा होते जा रहा है, ये जितने भी मतलब कि आप देख रहे हैं इस PDF में नीचे मैं जाते जाऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कितना मतलब कि अभी ये 10 पेज ही देखिए इसका पार्ट 1 देखे, देखिए यहाँ पर ये 10वां पेज है, अभी 12 पेज नीचे है, बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसी तरह का डाटा बनाकर मैंने टाइपिंग करवाया है, तो आप देख लीजिए। चलिए इसी को मैं बताकर वीडियो को एंड करूंगा, थोड़ा सा इसको और नीचे घसका लें। क्या लिखा है कि एयर ब्रेक सिस्टम कोचिंग स्टॉक और गुड स्टॉक में अंतर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन सामने आपके आया, यह जो है गुड्स और कोचिंग जो है दोनों में अंतर बता रहा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोचिंग है गुड्स में, ठीक है, यह सिस्टम जो है किसमें कितने पाइप होता है, कितना mm का होता है, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें जो है, देखिए सिस्टम जो है कोचिंग स्टॉक में ट्विन पाइप होता है, और गुड स्टॉक में सिंगल पाइप ट्विन पाइप दोनों होता है। ठीक है, गुड स्टॉक में जो है आपको जो HL जो होता है, HL नया वाला HL जो होता है, HL इसमें ट्विन पाइप का प्रयोग किया जाए, ट्विन पाइप का मतलब ये हो जाता है कि फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों होना। ठीक है, फीड पाइप एवं ब्रेक पाइप दोनों, ठीक है, और सिंगल पाइप का मतलब ये हो जाता है कि इसमें केवल BP रहेगा, यानी ब्रेक पाइप रहेगा, और ट्विन पाइप में जो है BP और FP दोनों रहता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में ब्रेक पाइप का आकार, तो ब्रेक पाइप का आकार जो है कोचिंग स्टॉक में जो है 25 mm होता है, कितना होता है कोचिंग स्टॉक में 25 mm होता है। अब कहिएगा कि नहीं सर मैंने 28 mm भी पढ़ा है, हम कहेंगे कि हाँ भाई 28 भी सही है,
तो 28 जो देता है, देखिए ये जो दिया है आईसीएफ का दिया हुआ है, और एलएचबी का में यही मतलब ब्रेक पाइप और फीड पाइप का बोर साइज क्वेश्चन आता है कि एलएचबी कोच में फीड पाइप या ब्रेक पाइप का बोर साइज कितना होता है, तो 28 mm, 25 mm, मतलब कि अगर आईसीएफ पूछता है तो 25 mm और एलएचबी पूछता है तो 28 mm, ठीक है। यहाँ भी एलएचबी में 28 mm, ठीक है, 28 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक सिलेंडर की संख्या, देखिए अंडर फ्रेम वाला में कोचिंग स्टॉक में जो अंडर फ्रेम होगा उसमें 2 लगा रहेगा, और बीएमबीएस जो रहेगा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो रहेगा उसमें 4 लगा रहेगा, ठीक है, कोचिंग स्टॉक में। और गुड स्टॉक में जो है 1 ही लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अंतर इस टाइप का आपको वीडियो इस टाइप से नहीं मिलेगा जल्दी मेरे भाई, आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अदर जोन में, ठीक है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर, देखिए कोचिंग स्टॉक में अंडर फ्रेम वाला में 2 रहता है और बीएमबीएस में 1 ही रहता है, ठीक है, और गुड स्टॉक में भी 1 ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, चलिए आगे मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, 6 में जो दिया है, ठीक है, 6 में जो है प्रत्येक ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सिलरी रिजर्वायर 2 और 1 दिया था, तो यहाँ देखिए अंडर फ्रेम में जहाँ पर 100 लीटर का होता है अंडर फ्रेम वाला में, और यहाँ जो है 200 लीटर का होता है, ठीक है, बीएमबीएस में। तो यहाँ पर मैं डिटेल इसके बारे में बता दूं, तो ये जो दिया हुआ है आईसीएफ का दिया हुआ है, कि क्या चीज का दिया है, आईसीएफ का दिया है, ये वाला 6, इसी के बारे में मैं 6 के बारे में एलएचबी के बारे में अगर बता दें, एलएचबी का देखिए ये 6 वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एलएचबी में जो है इसमें भी 200 का ही लीटर का होता है, लेकिन ये अलग अलग होता है, यानी एक हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एलएचबी में कुल मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कुल क्षमता कितना होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलएचबी कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कुल क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर का होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर अलग अलग पूछ दे कि एलएचबी कोच में मतलब कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो 125 लीटर का होता है, ठीक है। और ये पूछे कि एलएचबी कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता मतलब कि टॉयलेट पर्पस के लिए कितना होता है, शौचालय के लिए कितना होता है, तो ये 75 लीटर का होता है, ठीक है, ये होता है टॉयलेट पर्पस के लिए, ठीक है, टॉयलेट पर्पस के लिए। तो 125, 75, 200 लीटर कुल क्षमता पूछता है तो 200, अलग अलग पूछता है तो 125 और 75, लेकिन आईसीएफ में 1 ही होता है 200 लीटर का। अब समझ गए होंगे हमको, जहां तक विश्वास है, ठीक है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, पीईएएसडी, पीईएएसडी यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, नहीं बल्ब नहीं, सिंक डिवाइस, PEASD, एक होता है PEAB होता है, ठीक है, तो जिसमें भी होगा तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व हो जाता है, ठीक है, और ये है PEASD, फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है आईसीएफ में मौजूद होता है, ठीक है, कोचिंग स्टॉक में, और जो है या गुड्स में जो है नहीं होता है। अलार्म चैन जो ACP करते हैं, ACP यानी अलार्म चैन पुलिंग जो हम लोग खींचते हैं और गाड़ी रुक जाती है, उसी उसी को PEASD जो मतलब कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोचिंग स्टॉक में होता है, गुड्स में नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए वीडियो तो जो है लंबा होते जा रहा है, देखिए ये भी डेटा जो है लंबा ही है, देखिए आप लोग के सामने तो रख मैंने दिया, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा, देखिए यह पीडीएफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये हम बता रहे हैं 22 पेज का है, लेकिन इसमें 100 पेज का भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए जैसे यहीं पर देखे कि देखिए एक ही अगर 5 से बनाया जाए तो यहीं पर आपका 3 क्वेश्चन बन जाता है, अंडर फ्रेम वाला में 2 होता है और बीएमबीएस में 1 होता है और गुड स्टॉक में 1 होता है, यहीं पर 3 क्वेश्चन बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इस तरह करके एक ऐसा पीडीएफ है कि अगर 22 पेज का है, अगर अलग अलग क्वेश्चन बना दे हम इसी का तो 100-150 पेज के लिए भी है। मैं यह पीडीएफ इसलिए बनाया है कि बहुत सारे भाई जो है मांगते हैं कि नहीं सर मेरा एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक में है, कोई ऐसा पीडीएफ दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, उसके लिए मैंने यह पीडीएफ छांट छांट करके मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसका नंबर है 96-93-57-14-26, ठीक है, 96-93-57-14-26, ठीक है। तो इस पर आप इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कीजिए, और उसमें जो फोटो लगा है उसको ध्यान से पढ़िए, कौन कौन सा पीडीएफ, उसमें बहुत सारे टॉपिक लिखा हुआ है, 40-50 टॉपिक है, लेकिन पीडीएफ की संख्या आपको 80-90-100 की संख्या में है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे LDC JEE WM की तैयारी के लिए, बहुत ही उपयोगी सारे के सारे मतलब कि पीडीएफ होंगे, और उसमें आईसीएफ बैगन डेमू मेमू
एलएचबी, आपको पास, पीटीओ, इंसेंटिव, राजभाषा, आईटीआई से जितने भी ट्रेड हैं, जैसे बेल्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीनिस्ट से, शेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, मतलब कि हमको कहने का तात्पर्य है कि जितने भी एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए इंपोर्टेड सारे के सारे पीडीएफ जो है, सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप को आप सेव कीजिए और मैसेज कीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, और उस पॉइंट को पढ़ेंगे, टॉपिक को, जो इस पीडीएफ जो इस मैं क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के जो फोटो में लगा है उसमें बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ है। अगर कोई भाई को एक ही टॉपिक चाहिए तो उसको लिखेंगे कि मुझे सर वो 4 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर जो भी है, यही एक टॉपिक हमको, मात्र एक ही पीडीएफ चाहिए, या पूरा पीडीएफ चाहिए, या केवल टेस्ट में भाग लेना चाह रहे हैं। मैं संडे के संडे टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, हर एक संडे को संडे, और उस टेस्ट जो है, टेस्ट में भी भाग आप कैसे लीजिएगा, सारे के सारे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।